और इस बीच एक और बड़ी खबर, अतीक अशरफ हत्याकांड में आयोग की जांच का चौथा दिन आज है। आज पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मियों से पूछताछ होगी। आयोग के 11 सवालों का जवाब देने वाले हैं पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मियों को आज जवाब देने हैं। हत्याकांड से जुड़े सवालों के जवाब आयोग की टीम यहां पर मांगेगी। अस्पताल प्रशासन से भी सवाल जवाब किया जाएगा टीम की तरफ से। तो आज चौथा दिन है जांच आयोग का प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड में। लगातार जांच जारी है। आज पुलिस कर्मी मीडिया कर्मी के यहाँ पर बयान दर्ज होने वाले हैं, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। ऐसे में अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस वालों के लिए क्या सवाल तैयार किए गए हैं वो अब आप जान लीजिए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस वाले लगे लगातार शक के घेरे में भी आ रहे हैं। पहला सवाल जो रहेगा, एम्बुलेंस या परिजन वैन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, ये पहला सवाल यहाँ पर जो पूछा जाएगा पुलिस वालों से। दूसरा सवाल रहेगा, पुलिस कर्मियों से पूछा जा रहा है कि अतीक और अशरफ को केल्विन हॉस्पिटल क्यों लाया गया था। तीसरा सवाल रहेगा, जिस जीप से दोनों को लाया गया उसे इधर उधर क्यों घुमाया गया, सीधे अस्पताल के अंदर लेकर के क्यों नहीं गए। चौथा सवाल, पुलिस को शूटरों के आने की भनक क्यों नहीं लगी। पांचवा सवाल यहां पर यह पूछा जाएगा कि मीडिया कर्मियों को अतीक अशरफ को लाए जाने के बारे में जानकारी कैसे हुई, क्या उन्होंने शूटरों को पहले देखा था। छठा सवाल यहां पर रहेगा, जब फायरिंग होने लगी तो घटना स्थल पर क्या कुछ हुआ था, यह भी पुलिस वालों से पूछा जाएगा। सातवां सवाल जो पुलिस वालों से पूछा जाएगा वो ये कि फायरिंग होने पर उन्होंने जवाबी फायरिंग की कोशिश क्यों नहीं की थी, क्योंकि तस्वीरों में ये साफ देखा गया था पुलिस वाले वहां से दूर हटके साइड खड़े हो गए थे। अतीक अशरफ को शुरुआती 3 दिनों में मीडिया से बात नहीं करने के लिए दिया गया, तो घटना के दिन आखिरकार बात क्यों करने दी गई। नौवां सवाल रहने वाला है, हॉस्पिटल से ले जाने वाले की जानकारी किन किन उच्च अधिकारियों को दी गई थी। दसवां सवाल जो पुलिस वालों से पूछा जाएगा वो ये कि अतीक अशरफ 21 पुलिस कर्मियों और 2 जीप पर कैसे बैठकर आए थे। सवाल रहेगा, अतीक अशरफ और 21 पुलिस कर्मी 2 जीप पर कैसे बैठकर आए। जो 11वां सवाल रहेगा, 11वां और अंतिम सवाल रहने वाला है, मीडिया कर्मियों से पूछा गया कि क्या उन्हें घटना स्थल पर कुछ संदिग्ध लोग नजर आए थे। ये वो तमाम सवाल जो आज पुलिस वालों से पूछे जाने हैं। हत्याकांड से जुड़े तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में न्यायिक आयोग वहां पर लगा हुआ है। और इसी से जुड़ी हुई प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है, अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। घूमरगंज थाने के इंचार्ज को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट नहीं देने पर कोर्ट ने इंचार्ज को यहां पर तलब किया है। तो अब यहां पर अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। घूमरगंज थाने के इंचार्ज को कोर्ट में पेश होना होगा इसके लिए। तो अतीक की बहन आयशा नूरी भी फरार चल रही है और लंबे समय से तलाशी यहाँ पर की जा रही है, और ऐसे में सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में सुनवाई यहां पर होगी। धूमनगंज थाने के इंचार्ज को कोर्ट में पेश होना होगा। रिपोर्ट नहीं देने पर कोर्ट ने इंचार्ज को तलब यहां पर कर लिया है। तो अतीक की बहन आयशा नूरी, अब उन्हीं की सरेंडर अर्जी पर यहां सुनवाई होने वाली है। सीजीएम कोर्ट यह सुनवाई करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।